संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को दिमागी बुखार बताया है। टिकैत ने कहा, बीजेपी दिमागी बुखार जैसी बीमार है, किसान उसका इलाज करने के लिए ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। जैसे दवाई इन्हें बंगाल में दी गई थी, वैसी ही दवाई हर जगह दी जाएगी। 3 साल में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। टिकैत ने रायपुर में प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर सीधा हमला बोला और कहा कि पिछले 7 साल से विकास रुका हुआ है। टिकैत ने कहा, पिछली सरकारों ने जो संपत्तियां और संस्थान बनाए थे, ये सरकार उसे बेच रही है। केंद्र सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। किसान पिछले 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, वो अब पक चुके हैं। उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगाए गए, लेकिन तीनों कानूनों की वापसी के बिना किसान लौटेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि सभी फसलों और फल, सब्जी और दूध के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के बिना किसान को लाभ नहीं होगा। जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करती, किसान का भला नहीं हो सकता। राकेश टिकैत ने कहा, जिस प्रस्ताव को 2012 में भारी विरोध के बाद वापस ले लिया गया था, उसे बिना बहस के पारित कर देना संसद के साथ धोखा है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार ने यही किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पर बरसते हुए टिकैत ने कहा, किसान संगठन सरकार से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेगी और कुछ कहना हो तो चर्चा हो सकती है। फिर चर्चा किस बात पर होगी? किसान ऐसी कोई कंडीशनल बातचीत नहीं करेगा। सरकार को बात करनी है तो बिना शर्तों के टेबल पर आए। राकेश टिकैत 28 सितंबर को राजिम के आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये बातें कही।